कॉक P1000 की ऑपरेटिंग आज हम आपको दिखा देते हैं। ऑन करने के बाद आपको बेसिक बेसिक क्या चीज़ें जाननी चाहिए मैं आप बता देता हूँ आपको। तो अभी आपका कीबोर्ड ऑन हो चुका है। ऑन होते ही आपके पूरे पियानो कीबोर्ड के हर एक कीज पे ग्रैंड पियानो साउंड फुल रेंज में मिल जाएगा। यदि आपको कोई भी इंडियन स्टाइल सिलेक्ट करनी है तो आप ये स्टाइल का देखिए, यही पे स्टाइल लिखा है, पढ़िए। मैं पूरा जूम करके दिखा देता हूँ। ये आपको स्टाइल का पैनल है, उसको टच करते ही आपको अगर कोई भी कंपनी का साउंड सिलेक्ट स्टाइल सिलेक्ट करना हो तो यहाँ पर फैक्ट्री लिखा है, फैक्ट्री को सिलेक्ट करेंगे। अगर आपको इंडियन बैंक देखनी है, कॉर्ग इंडिया की बैंक, जो कंपनी से इंडियन डेटा हमें मिलता है, तो लोकल बैंक में आप जाएंगे। लोकल में जाते ही आपको सारी स्टाइल P1000 की इंडियन वन बैंक में मिल जाएगी। 600, 900 ये सब सम के यूज इंडियन 2, इंडियन 3 एंड इंडियन 4, और PA 700 का डेटा इंडियन 5 पे हमें मिल जाता है। ओके, तो ये हो गई स्टाइल सिलेक्शन की बात। फॉर एग्जाम्पल हमें कुछ भी प्ले करना है तो आप ये देख सकते हैं, कोई भी जैसे हमें ये कीर्तन प्ले करना है, इस सिलेक्ट करने के बाद मैं एग्जिट बटन दबा रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये मेन स्क्रीन पे आने के लिए ये एग्जिट बटन है। ओके, अभी देखते हैं प्ले करने के लिए रेड बटन आप होल्ड कर सकते हैं और प्ले करने के लिए दूसरा तरीका भी होता है सिंक स्टार्ट ऑन ऑफ करके, तो सिंक ऑन का ये बटन दबाएंगे। अभी आप कोई भी कॉर्ड सिलेक्ट करेंगे वैसे ही स्टाइल हमारी स्टार्ट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं एफ शार्प ले रहा हूं, तो ये था स्टाइल सिलेक्शन। अभी सबको कंफ्यूजन है साउंड कैसे सिलेक्ट करेंगे, तो साउंड सिलेक्ट करने के लिए हमारे पास ऐसे मेन साउंड को साउंड और स्टाइल मोड के अंदर साउंड भी रहेगा और परफॉर्मेंस, तो स्टाइल प्ले मोड के अंदर हम परफॉर्मेंस यूज करेंगे जिसमें हमें लेफ्ट हैंड पे स्प्लिट भी मिल जाएगा। वो देखने के लिए कैसे करेंगे, ये KBD लिखा है हमारे यहाँ पे कीबोर्ड सेट, उसको जस्ट टच करना है। फिर आपके सामने फैक्ट्री का लिस्ट है, ये लोकल यानी कि कॉर्ग इंडिया वाला डिस्क है हमारा पूरा लिस्ट। इसके अंदर हमें इंडियन 1, इंडियन 2 ये सब पेज मिलेंगे। इंडियन 1 के अंदर ये सारे पेज मिलेंगे, जो भी सिलेक्ट करना है आप ऐसे सिर्फ टच करेंगे। इंडियन 2 में जाएंगे तो उसके अंदर पेज 5 और 6 पे हमारा इंडियन डेटा है, जैसे कि ये। अभी हमें वीरॉक का कस्टम डेटा देखना है तो यूजर में गए, तो यूजर बैंक 1 के अंदर हमारा सारा डेटा मिल जाएगा। तो ऐसे ही कुछ डेटा था। अभी आपको इसके अंदर कोई भी डेटा वापस एक बार देख लेते हैं, कीबोर्ड लिस्ट में गए, ये फैक्ट्री डेटा है, लोकल डेटा है, ये वीरॉक का डेटा है, यूजर वन में हमें मिल जाएगा। ओके, फिर अभी आपको कोई कंफ्यूजन है, जैसे हमें खुद की फेवरेट से जैसे बैंक क्रिएट करनी है, कोई भी टोन हमें हमारे सिक्वेंस पे लगाना है तो कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको ये शहन हारमोनियम का ये टोन है, वो आपको ये टोन आपको पसंद आया और मुझे लगता है इंस्टेंट यूज के लिए मुझे यूज करना है, तो आप ऐसे कॉपी करेंगे और यूजर में कहीं पे आपकी कोई भी बैंक, फॉर एग्जांपल यूजर 5 में हमें चाहिए, जस्ट यहाँ पे टैप करेंगे, ये पेस्ट हो गया, आ गया हम आपका टोन, और ये हो गया आपका। ऐसे आप अपने सिक्वेंस में कोई भी एक बैंक, और बैंक को रीनेम कैसे करना है, फॉर एग्जाम्पल के लिए हमें इसे रीनेम करना है, तो ये रीनेम आपको रीनेम यूजर बैंक, अभी 5 नंबर की बैंक है उसे एडिट करना है, तो आप लोग जो नाम देना है, फॉर एग्जाम्पल PA 1000, ओके कर दीजिए,
ये नाम चेंज हो गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे। फिर अगर आपको खुद का, ये दूसरा तरीका है, कभी भी मेन ग्रैंड पियानो साउंड पे खुद का कोई साउंड क्रिएट करना है, कोई भी एडिटेड साउंड में से आपको लेयर करके स्प्लिट करके अपना एक साउंड बनाना है, तो आप कहीं पे भी हो कीबोर्ड में, कोई भी सेटिंग आपसे चेंज हो गई तो ये माय सेटिंग का बटन दबा दीजिए। अभी देख सकते हैं कॉन्सर्ट ग्रैंड जो कीबोर्ड चालू करते जो सेटिंग होती है आ गया। इसके बाद आपको टोन बनानी है खुद की, तो क्या करेगी, आपको जो टोन चाहिए, ये आपके पास तीन लेयर है यहाँ पे, अपर वन, अपर टू, अपर थ्री, तीन टोन का लेयर करके एक टोन बना सकते हैं। तो इसके अंदर आप ये सिलेक्ट करेंगे, अभी आपको जहां से चाहिए, लोकल में से चाहिए तो लोकल में से, और यूजर में से चाहिए तो यूजर में से कोई भी एक साउंड आप सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि बीन का साउंड मुझे चाहिए, बीन, बीन के साथ आपको चाहिए कि हल्की सी स्ट्रिंग बजे पीछे, तो कोई भी आप लोकल लेगेसी में से, जैसे कोई मैं हल्की एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ, स्ट्रिंग एनसेम्बल वन। अभी ये दो टोन का मुझे लेयर चाहिए, अभी ये फुल बज रही है, मुझे लगता है कि मोनो में बजानी है, लेगाटो में बजानी है, टोन का लेवल एडजस्ट करना है, तो वो कैसे करना है, जस्ट यहाँ पे ये वॉल्यूम का बटन दिया गया है, आप पहले लेवल एडजस्ट कर सकते हैं। ये बिन का मैं लेवल थोड़ा कम करता हूँ, स्ट्रिंग का बढ़ा रहा हूँ, अभी उसको मोनो करना है तो क्या करना है, जस्ट ये मेनू का बटन आप दबाएंगे, मेनू में जा करके ये मिक्सर ट्यूनिंग में जाना है आपको, फिर ये आपको सॉरी मेनू में जाना है, फिर ट्रैक कंट्रोल में जाना है। अभी लगता है मोनो पोली, ये पोली है अभी, तो मोनो कर देंगे। अभी ये कॉर्ड नहीं बजेगा, मोनो बजेगी जो बीन का असल टाइप है। फिर उसको सेव करना है आपको, आपका एक नाम देके एक परफॉर्मेंस बनाना है, इसको आपको सेव करना है अपने तरीके से। तो जस्ट क्या करेगा, अगर आपको लगता है कि लेफ्ट हैंड में भी साउंड चेंज करना है तो आप ये जस्ट सिलेक्ट करेंगे साउंड जो चाहिए वो आपको, मुझे यहाँ पे कोई कोरस का साउंड लगाना है, अभी ये कोर के साथ बजेगा, ये स्प्लिट ऑन करता हूं मैं। अगर स्प्लिट में हाथ छोड़ने के बाद कॉर्ड बंद हो जाता है, ऐसा लगता है कि आपको कॉर्ड का आवाज चालू रखना है, तो जस्ट आपको एक ग्लोबल का बटन प्रेस करना है, फिर आपको मोड प्रेफरेंस में जाकर के मेमोरी के अंदर कॉर्ड प्लस लोअर कर देना है, तभी आप वो मैं बाद में आपको दिखाता हूँ दूसरे साउंड के अंदर। तो कोई नहीं, फिलहाल अब ये कोयर सेट हो गया हमारा, तो आपको इसे सेव करना है, तो राइट टू कीबोर्ड सेट लाइब्रेरी करना है, इसको जो नाम देना है बीन न्यू, इसका नाम दे दिया। आपको जो लोकेशन पे सेव करना है आप सिलेक्ट करेंगे, फिर आप PA 1000 पाँच नंबर का पेज जैसे हमने बनाया यहाँ पे चाहिए, ये सिलेक्ट किया, एग्जिट प्रेस करेंगे और ओके। तो आपका एक नया साउंड जनरेट हो गया, आप कभी भी इसे यूज कर सकते हैं। फिर आपको लगे कि स्टाइल के नीचे चार चार टोन दिए गए हैं, उसमें आपको अपने खुद के सेट करने हैं ये स्टाइल के साथ, तो कैसे करना है, ये तो स्टाइल फिलहाल तो लॉक है, तो ये स्टाइल का एक कॉपी बना लेंगे, जैसे कि बॉलीवुड 6/8 है, उसको कॉपी करेंगे पहले कॉपी, फिर यूजर एरिया में कहीं पे भी रख देंगे। अभी ये यूजर में आने की वजह से एडिटेबल होगी, प्रोटेक्टेड नहीं है, तो आपको लगता है कि ये चारों चार आपको चेंज करके आपके खुद के टेस्ट के रखने हैं, क्योंकि आप बजाते टाइम जल्दी जल्दी वन टच पे आपके खुद के नादा स्वरम आपको काम करना नहीं है, तो आप अपना टोन कैसे डालेंगे या जो चाहिए टोन आप सिलेक्ट कर लेंगे। अब जैसे कि इसके उत्तर आपको चाहिए ये सितार, ये सितार अभी फिलहाल है, तो फिर आप यहाँ पे पेज मेनू पे जाएंगे, फिर अभी फिलहाल लॉक है तो उसका लॉक अनलॉक कर लेते हैं, ग्लोबल में जाना है, ये फैक्ट्री लॉक मैंने हटा दिया, तो ये अभी ये ओपन हो चुका है आपका मेनू, तो राइट टू राइट कीबोर्ड सेट टू स्टाइल, अभी कौन से नंबर पे किसके बदले पे चाहिए, ये नादस्वरम मुझे अच्छा नहीं लगता, नादस्वर हटा के हमका सितार आ गया, अभी देखिए
फॉर एग्जाम्पल अभी ये टूटी की जगह पे कुछ और चाहिए, तो आप कुछ और सिलेक्ट कर लेंगे। क्या चाहिए? पियानो चाहिए। पियानो सिलेक्ट करने के लिए एग्जिट एक बार दबाएंगे, फिर यहाँ से वापस राइट कीबोर्ड सेट टू लाइब्रेरी, दूसरे नंबर का ऑप्शन। फिर आप किस नंबर पे चाहिए? ये टूटी की जगह पे चाहिए। ओके, इतना सिंपल सा है ये। ओके, तो और कोई कंफ्यूजन है तो मुझे कॉल कर दीजिएगा।